वहीं अब खबर भोपाल से मिल रही है, जहां वर्चुअल कैबिनेट की पहली बैठक की शुरुआत हो गई है। वर्चुअल कैबिनेट से सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश पहुंचेगा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में जो कई मंत्री अधिकारी हैं वो क्वारंटाइन हैं और वर्चुअल कैबिनेट की शुरुआत हुई है। तो आज नया इतिहास रचना है, वर्चुअल कैबिनेट इतिहास में पहली बार हो रही है। ये हमारे संकल्प का परिचायक है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, प्रदेश की जनता का काम हम रुकने नहीं देंगे। अगर अस्पताल से भी जरूरत पड़ी यहां बैठकर भी काम करेंगे। इस बार हमें सबसे ताकि हम जनता के कामों को बेहतर संपादित कर सकें। मैं एक निवेदन करता हूं कि कैबिनेट गोपनीय होती है और कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मंत्रीगण और विभाग के सचिवगण ही रहते हैं, प्रमुख सचिवगण रहते हैं। इसलिए अगर कोई कमरे में अन्यथा व्यक्ति कहीं हो तो वो बाहर चले जाए मित्रों। पहले मैं आपके सामने बता दूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, कल से मुझे बुखार नहीं आया है, खांसी भी पूरी तरह से खांसी भी अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। मैं लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक अनुभव आपको बताता हूँ मैं, वो भी अपने अस्पताल में अपनी चाय बना रहा हूँ, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ, क्योंकि कोविड वाले कपड़े अपन किसी और को धोने नहीं दे सकते। और कपड़े धोने का भी एक और फायदा हुआ है, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींच लीजिए वो बिना फिजियोथेरेपी के नहीं होता। इससे हमें एक बात जरूर लगती है मुझे कि छोटे मोटे काम अपने हाथों से हमको करते रहना चाहिए। और एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अरविंद भदौरिया जी की आप मेरे साथ है, लोगों की रोज बात होती है, उनका परिवार भी, लेकिन समय से हम लोग आ गए तो बीमारी पर नियंत्रण पा लिया। और ये कोई मुख्यमंत्री हो, आमजन हो, मेरी सबसे अच्छी प्रार्थना करें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तत्काल अगर हम बताएंगे और इलाज शुरू हो जाएगा तो कोविड लाइलाज बीमारी नहीं है, सकलेचा जी बैठे हैं, सर्दी जुकाम और बुखार की तरह ही जितना कष्ट होता है और कोई कष्ट होता है बाकी कुछ नहीं होता, पूरी तरह से हम ठीक हो जाते हैं। तभी तब आती जब ये अंदर लंग्स में चली जाती है। वो सावधानी इस बात को भी रखना चाहिए, मेरी अपील है, लक्षण है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, तुरंत बताएं ताकि इलाज प्रारंभ किया जा सके और इलाज ना बन सके। एक तो मैंने ये कहा था कि देशवासियों को भी कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात जरूर है, संक्रमण कई जगह बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति है जो हाथ से बाहर हो। एक मैंने आज सेक्रेटरी को ये कहा था, हमारे माननीय मंत्रीगणों के सामने एक चार पांच स्लाइड में आज कोविड की स्थिति क्या है, इसको प्रस्तुत किया जाए ताकि आप भी देख ले देश की स्थिति क्या है और अपने मतलब देश की स्थिति क्या है। तो पहले कोविड की स्लाइड से हम करेंगे कि अपने प्रदेश की स्थिति क्या है, बाद में आज के कैबिनेट के एजेंडे पर आएंगे। कोविड से शुरू करें, कुछ बातें कोविड के बारे में आप सबको संज्ञान में लाना चाहता हूँ सर। तो
पिछले कुछ दिनों से पूरे कंट्री में कोविड के केसेस की संख्या में काफी बढ़ोतरी है, उसकी वजह से टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ना भी तो शिवराज कैबिनेट की शुरुआत हुई है। हालांकि ये कैबिनेट अब वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग है ये, और कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने ये कहा कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। पहली वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत हो गई है, सभी मंत्री अधिकारी इस बैठक में जुड़े हैं वर्चुअली। सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल से बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में सीएम ने अस्पताल का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने कहा कि खुद के कपड़े भी धो रहा हूं, छोटे मोटे काम अपने हाथों से करने चाहिए, कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनको देख के लग रहा था कि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी खांसी अब नियंत्रण में है और बेहतर अब वो महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये चीज कही कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब के बीच देखिए कि किस तरीके से अभी भी ये गतिविधियां जारी हैं, सरकार कितनी ज्यादा सक्रिय है, दोगुनी रफ्तार के साथ यहाँ पे काम की जा रही है। आज कोरोना की समीक्षा बैठक भी वो लगातार कर रहे हैं, वर्चुअली वो जुड़ रहे हैं और सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं।